जिस कोरोना काल में अपनों ने साथ छोड़ दिया, वहीं खाकी वर्दी पहने समाज का पहरेदार समाज सेवा के लिए अपने दोनों पैर क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी खड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंदौर के उप निरीक्षक कैलाश चंदेल की, जिन्होंने वर्दी का असली मानवीय चेहरा समाज के सामने लाकर रख दिया है। हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा, यह कहावत तो आपने सुनी होगी। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक पुलिसकर्मी की हिम्मत जज्बे की। जी हाँ, यह पुलिसकर्मी दूसरों की सेवा के लिए फिर आ गए मैदान में। हम बात कर रहे हैं उस कैलाश चंदेल की, जो कि कुख्यात आरोपी भगवान चोटी को अकेले पकड़कर ले आए थे, जो चैंपियन ऑफ डे से भी सम्मानित हुए हैं और साथ ही में हाल ही में मौत के मुंह से लौट कर आए हैं और सेवाएं दे रहे हैं उपनिरीक्षक चंदेल। कोरोना की खौफनाक लहर के चलते लोग जहां अपनों को सहारा नहीं दे रहे हैं, वहीं खाकी का मानवीय चेहरा ऐसा भी सामने आया है जिसका एक पैर दुर्घटना में कट गया था और नकली पैर लगाना पड़ा। वहीं दूसरे एक्सीडेंट में क्षतिग्रस्त दूसरे पैर में रॉड लगी हुई है। फिर भी इंसानियत का ऐसा जज्बा कि DRP लाइन में बने पुलिस कोविड सेंटर, जो कि 24 घंटे संचालित है, वहां पर अपनी सेवाएं 24 घंटे दे रहे हैं। आइए आपको बताते हैं चंदेल की जुबानी उनकी कहानी। लंबा संघर्ष रहा पुलिस की नौकरी में जी, लेकिन इस दौरान कई हादसों से भी आपका सामना हुआ। किस तरह के हादसे थे जिन्होंने एक बार आगे बढ़ते हुए उसे रोक दिया? मेरा सन 1999 में एक्सीडेंट हुआ था ट्रक से, जिसमें मेरा बाया पैर कट गया था। उसके बाद में साल भर बाद वापस अपनी जॉब पे आया, वो पुनः मैंने संघर्ष करके आर्टिफिशियल पैर लगा के वो पुनः नौकरी ज्वाइन करी। उसके बाद में लगातार ही संघर्ष करता रहा। इस संघर्ष के बाद में जब हम बात करें कि लोग एक्सीडेंट या कुछ ऐसा दुर्घटना होने के बाद में पिछड़ जाते हैं, एक लूप लाइन में चले जाते हैं, लेकिन आपने उसके बाद में कई ऐसे खुलासे किए, कई ऐसे कारनामे दिखाए जिससे आपका प्रमोशन भी हुआ और कई अवार्ड भी जीते। मैंने क्या कारण था पहले तो ये जानना चाहिए, क्या कारण रहा इसके पीछे, क्या था जो मोटिवेशन ये था कि मेरा परिवार तीसरी पीढ़ी से चल रही है, मेरा परिवार अभी तक जनसेवा करता रहा है। क्या मेरा बेटा भी सूबेदार है देवास में, मेरा बेटा जनसेवा कर रहा है, मेरी तीसरी पीढ़ी जनसेवा कर रही है, मेरे पिताजी भी पुलिस में थे, मेरे भैया भी TI हैं, तो लगातार जनसेवा की भावना रही है हमारी। वो हम जनसेवा भावना के कारण अब वरिष्ठ अधिकारियों ने मेरे को प्रोत्साहित करा कि आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है। उस कारण एक अशोक सिंधी की हत्या हुई थी जो भगवान चोटी ने करी थी 2000 के लगभग में, जो 3 साल बाद मैंने 2003 में उसको उसका पर्दाफाश किया, जिसमें 25,000 रुपये का केस रिवार्ड था, जिसमें मेरे को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया, हेड साहब बनाया गया। इसे कितना संघर्ष करना पड़ा आपका पेज आने के बाद, कितने केस ऐसे आपने सॉल्व किए जो पुलिस दूसरे पुलिसकर्मी नहीं कर पाए? मैंने मेरे 30 साल की नौकरी में लगभग करीब 10 अंधे कत्ल ऐसे होंगे जिसको मैंने खुलासा किया है, जिनको आज तक पुलिसकर्मी, कई पुलिस अधिकारी कर्मचारी जो कि स्वस्थ होने के बाद भी नहीं कर पाए होंगे, मैंने उनके अंधे कत्लों का पर्दाफाश किया। कई लूट डकैतियाँ ऐसी थी जो कि पुलिस के लिए एक चैलेंज बनी हुई थी, उन डकैतियों का मैंने खुलासा किया, जिसमें मेरे को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रोत्साहित किया गया और समय समय पर मुझे इनाम दिया गया, मेरा हौसला अफजाई के लिए मुझे हर बार पारितोषित किया गया वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा। अभी भी मुझे RA साहब द्वारा हमेशा प्रोत्साहन किया जाता है कि नहीं, हिम्मत मत हार चंदेल, खड़ा हूँ मैं, कोई तकलीफ हो तो मेरे को बतलाना। तो फिर आप किस तरह का संदेश देना चाहते हैं, जैसे आपका एक पैर नहीं है, आप तो समाज में किस तरह का संदेश देना चाहते हैं इसको लेके कि कभी हार नहीं मानना चाहिए? भाई, समाज में तो अभी मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको जनता की सेवा करना है, तो आप पुलिस में रह के भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, साजमार्ग जीवन जी के भी कर सकते हो। अगर तकलीफ है उसके बावजूद भी अगर आप कुछ ऐसा कार्य करते हो जिससे कि जनता की सेवा होती है, तो अपने को हिम्मत नहीं हारना चाहिए, अपने को सेवा करते रहना चाहिए। वो मेरा पूरा परिवार ही इसमें लगा रहता है और मेरा परिवार का मेरे पे बहुत सहयोग रहा है, मेरे पीठ पीछे मेरा परिवार ने मुझे बहुत सहयोग दिया है। सर, अभी आप कोविड काल में ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पर, कोरोना का संक्रमण सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं रह गया है,
इस वायरस ने अब इंसानियत, मानवीयता और तमाम रिश्ते नातों को भी संक्रमित करके रख दिया है। ऐसे में एक सुखद मानवीय पहलू यह भी सामने आया। उपनिरीक्षक कैलाश चंदेल, जिनका 1999 में एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनका एक पैर कट गया था, इसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और नकली पैर लगवा कर वापस ड्यूटी पर आ गए। इतना ही नहीं, कई महत्वपूर्ण मामलों को सुलझाया भी है। इसके बाद 2012 में एक बार फिर काल की क्रूरता उनके सामने आ गई। इस बार उनका दूसरा पैर टूट गया जिसमें रॉड लगानी पड़ी, लेकिन हिम्मत का ऐसा जज्बा कि वह फिर मैदान में आ गए। एक माह पहले जब उनसे पूछा गया कि डीआरपी लाइन में बने कोविड सेंटर में वह ड्यूटी दे सकते हैं क्या, तो उन्होंने कहा कि दो बार मौत के मुंह से लौटा हूं। मैं करीबन इस हॉस्पिटल में साल भर से हूं और समय समय पर मेरे को आर साहब द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, समय समय पर आर साहब द्वारा मेरे से वार्तालाप की जाती है कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। मैंने बोला नहीं सर, मेरा कोई परेशानी नहीं है। उसमें यहाँ पे करीब 300 पेशेंटों का इलाज हुआ है और 300 पेशेंट स्वस्थ होके गए हैं। उनके बीच में मैं लगातार ड्यूटी करता रहा हूँ। क्या कारण है कि आप इस अस्पताल में, क्योंकि इतने बड़े खुलासे करने के बाद शहर में आज भी अपराध लगातार हो रहे हैं और अपराधों में भी जो है आपका सूचना तंत्र इतना अच्छा है, उसके बावजूद आपको यहाँ पर रखा गया है? थोड़ी सी मेरे पैर में तकलीफ है, इसके कारण मेरा मनोबल तो कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि रात बिरात कहीं ड्यूटी ज़्यादा पड़ जाए तो मेरे को जाने आने में कहीं तकलीफ हो। स्वेच्छा से आप नहीं? स्वेच्छा से मैं जाना नहीं चाहता हूँ। आपका नाम? कैलाश सिंह चंदेले, सहायक उप निरीक्षक। और यह सब लोगों की सेवा का ही परिणाम है। फिर उन्हें यहां सुपरविजन का काम दिया गया जहां वे एक माह से 24 घंटे सेवा दे रहे हैं। गौरतलब है कि कैलाश चंदेल को उज्जैन में हुई अशोक सिंधी की हत्या और डकैती का खुलासा करने पर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया था। इसमें हत्या के आरोपी भगवान चोटी को एक पैर नकली होने के बावजूद वे अकेले पकड़ कर लाए थे। वहीं शहर में दो हत्या और सीरियल चाकूबाजी के आरोपियों को भी पकड़ा था। चंदनगर में 1 करोड़ की डकैती का भी खुलासा उन्होंने ही किया था। अब तक उन्हें 5 लाख रुपए के इनाम से भी नवाजा जा चुका है एवं चैंपियन ऑफ डे से भी सम्मानित किया गया है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से तबरेज खान की रिपोर्ट।